So guys, this is Kamil and you're watching के production YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया है कैसे आप Vita वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के अंदर ट्रेंडिंग ग्लोइंग लिरिक स्टेटस वीडियो एडिटिंग कर सकते हो. तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और सीधे चलते हम अपनी वीडियो की तरफ. ओके गाइज, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ Vita वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में. तो Vita एप्लीकेशन पर आने के बाद सबसे पहले आपको न्यू के ऊपर क्लिक करना है. उसके बाद आप यहां पर इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से आप अपना एक इमेज ऐड कर लेंगे, यानी कि आप अपना कोई फोटो ऐड कर सकते हो या आप कोई बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो. जैसे कि आपको यहां पर मिलता है ब्लैंक वीडियो, आप इस पर क्लिक करेंगे. उसके बाद आपको एरो का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हो Vita एप्लीकेशन के अंदर एक ब्लैक बैकग्राउंड आ चुका है. तो कुछ इस तरीके से आप एक ब्लैक बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो और सेम इसी जगह पर आप अपना कोई पिक्चर ऐड कर सकते हो. उसके बाद आपको अपनी फोटो का जो टाइम ड्यूरेशन उसको बड़ा कर लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो ये मैंने बड़ा कर लिया, ठीक है. यहाँ पर इसका टाइम ड्यूरेशन दिखाई देगा. सो उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैक. बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऐड म्यूजिक, आप इस पर क्लिक करेंगे. यहाँ से म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे. उसके बाद आप डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे और अभी आप यहाँ से अपने म्यूजिक ऐड कर लेंगे, जिस म्यूजिक का आप लिरिक्स लिखना चाहते हो जिस सॉन्ग का. तो यहाँ से मैं जो अपना जो सॉन्ग है उसको सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ, ठीक है. तो ये रहा हमारा म्यूजिक. सो म्यूजिक के ऊपर आपको क्लिक करना है. उसके बाद आप यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो म्यूज़िक हमारा आ चुका है, आप देख सकते हो. उसके बाद आप यहाँ से आ जाएंगे बैक. बैक आने के बाद अभी आप यहाँ से अपना जो म्यूज़िक है, यानी कि अपना जो वीडियो उसको प्ले करके सबसे पहले आप सॉन्ग का जो सबसे पहला लाइन उसको सुन लेंगे. सुनने के बाद आपको आ जाना टेक्स्ट पर, ठीक है. टेक्स्ट पर आने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है और आप यहाँ पर जो टाइप करेंगे. सो जो भी आपके सॉन्ग का जो सबसे पहला लाइन उसको टाइप कर लेंगे. तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ. तो कुछ इस तरीके से आप अपनी सॉन्ग का जो सबसे पहला लाइन है उसको लिख लेंगे. सो ये मैंने लिख लिया. लिखने के बाद आपको फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है. फॉन्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना है आपको, आपको आ जाना है ये कैप्शन पर. और कैप्शन पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है. आपको यहाँ पर ग्लो नाम का इफेक्ट मिलेगा, टेक्स्ट ग्लो इफेक्ट. आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट पर कुछ इस तरीके से ग्लो इफेक्ट आ जाएगा. उसके बाद इसको कर देंगे डन. सो डन करने के बाद आपको यहाँ पर राइट पे स्क्रॉल करना है. आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट पर कोई भी एनिमेशन डाल लेंगे. मैं यहाँ से टाइपिंग वन को अप्लाई कर रहा हूँ. उसके बाद आपको फ्रेम आउट पर आ जाना है और यहाँ से आप अगेन टाइपिंग वन को अप्लाई करेंगे. उसके बाद इसको कर देंगे डन, ठीक है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सॉन्ग का जो सबसे पहला लाइन हुआ यहाँ पर आ चुका है. तो अभी आपको ये जो टाइम लाइन दिखाई दे रहा है इसको छूटा कर ले. तो कुछ इस तरीके से आप इसका जो टाइम लाइन उसको छूटा कर लेंगे. सो छूटा करके आप इसका टाइम ड्यूरेशन अराउंड 1.30 सेकंड कर लेना, ठीक है, 30 के अराउंड. तो ये मैंने कर लिया. उसके बाद आपको राइट पे स्क्रॉल करना है. आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट ये कॉपी हो चुका है, ये आप देख सकते हो. अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा राइट साइड की तरफ एडिट, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट को आपको रिमूव कर लेना है. रिमूव करके आप अपनी सॉन्ग का जो नेक्स्ट लाइन है उसको आप यहाँ पर टाइप करेंगे. आप अपनी जो सॉन्ग है उसको प्ले करके सुन सकते हो और सुनने के बाद आप यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन उसको टाइप करेंगे. तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ. तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपनी सॉन्ग का जो सेकंड लाइन उसको टाइप कर लिया. उसके बाद अगेन इसको कर देना है डन. डन करने के बाद अगेन आप एनिमेशन पर आके इसका एनिमेशन चेंज कर सकते हो. यहाँ से आप कोई दूसरा एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो, लाइक इस पर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ. उसके बाद फ्रेम आउट पर आ जाना है और आप यहाँ अगेन जो यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे. उसके बाद इसको काट देंगे डन. उसके बाद आप अगेन इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे. कॉपी करके आप इसे अगेन एडिट कर लेंगे यहाँ से. सो इसको आप हटा के अपने सॉन्ग का जो नेक्स्ट लाइन उसको टाइप करेंगे. सो उसके बाद अगेन कर देंगे डन. डन करने के बाद आप इसे अगेन कॉपी कर लेंगे यहाँ से. कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे और आप अगेन इसको एडिट कर लेंगे. सो उसके बाद अगेन इसको कर देंगे डन. डन करने के बाद आप अगेन इसको कॉपी कर लेंगे. कॉपी करके आप यहाँ से इसको एडिट कर लेंगे, ठीक है. सो एडिट करके आप यहाँ पर अपने जो सॉन्ग का जो नेक्स्ट लाइन उसको टाइप करेंगे. उसके बाद अगेन कर देंगे डन. अगेन आप इसे कॉपी कर लेंगे. सो कॉपी करने के बाद आप अगेन इसको एडिट करके यहाँ पर अपने सॉन्ग का जो नेक्स्ट लाइन उसको टाइप करेंगे. तो इसी तरीके से आप अपने सॉन्ग का जो पूरा लिरिक्स उसको लिख लेंगे. और तो मैं यहाँ पर अपने सॉन्ग का जो पूरा लिरिक्स उसको लिख लेता हूँ और लिखने के बाद मैं वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ और मैं वीडियो को थोड़ा टाइम के लिए पॉज कर लेता हूँ, ठीक है. ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने सॉन्ग का पूरा लिरिक्स लिख लिया और अभी मैं वीडियो को आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ. तो यहाँ से मैं वीडियो को प्ले करता हूँ और प्ले करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी ग्लोइंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो एडिटिंग हो चुका है. तो आप भी कुछ इस तरीके से ग्लोइंग लिरिक्स वीडियो बना सकते हो Vita एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही इजीली. सो मैंने आपको दिखा दिया. अभी आप इस वीडियो को किस तरीके से सेव कर सकते हो अपनी गैलरी में.
तो इसके लिए आपको इसको ना पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, लाइक 1080p सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।